एक नया क्राइम थ्रिलर शो आया है नेटफ्लिक्स पर कोहरा नाम से, जिसमें लीड रोल में सुविंदर विक्की और वरुण सोबती जैसे और भी कई सारे स्टार नजर आएंगे। सीरीज में टोटल 6 एपिसोड है जो लगभग 45 से 50 मिनट लंबे है, यानी कि पूरी सीरीज को देखने के लिए आपको 4.5 से 5 घंटे का टाइम जरूर लगेगा। तो चलिए जानते हैं कि कैसी है ये सीरीज और क्या इस सीरीज को आपका कीमती टाइम देना चाहिए या नहीं, और सीरीज किस तरह के ऑडियंस को टारगेट करती है। सीरीज में 2 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव पॉइंट है, और वो क्या है इसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। बात करें स्टोरी लाइन की तो भाई कहानी के बारे में बिना स्पॉइलर के इतना ही बोल लूंगा कि एक NRI पंजाबी फैमिली है जो इंडिया में आती है शादी के लिए, लेकिन शादी से 2 दिन पहले ही दूल्हे का मर्डर हो जाता है और उसका दोस्त मिसिंग हो जाता है, और फिर होती है इन्वेस्टिगेशन शुरू। और इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे हैं सुविंदर विक्की एज ए SI बलबीर और वरुण सोबती। पूरा शो इसी इन्वेस्टिगेशन के इर्द गिर्द घूमता रहता है, और सीरीज में एक फैमिली एंगल भी दिखाया गया है कि पुलिस वालों की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आती है ड्यूटी के दौरान, इसके ऊपर भी फोकस किया गया है। तो आखिरकार वो मर्डर किसने किया और उस मिसिंग लड़के का सच क्या है, और इस मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी को सुलझाने के लिए सीरीज में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब आपको सीरीज में दिखाया जाएगा। एक्टिंग के हिसाब से सुविंदर विक्की और वरुण सोबती ने काफी जबरदस्त काम किया है, आपको पूरे शो में ये दोनों ही नजर आएंगे, और पूरे शो को इन्होंने अपने कंधे पर उठा रखा है जो इसको एंड तक खींचने में कामयाब भी होते दिखाई दिए है। मतलब ये है कि परफॉर्मेंस के हिसाब से सीरीज एकदम मस्त है। सीरीज में क्या अच्छा है, सीरीज में बेहतरीन परफॉर्मेंस तो देखने को मिलेगी ही, और साथ ही इन्वेस्टिगेशन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेवलप किया गया है। नंबर 2, सीरीज पंजाब की पृष्ठभूमि पर आधारित है, इसकी वजह से कहानी बहुत ही यूनिक लगती है। नेगेटिव की बात करें तो सीरीज में ज़्यादातर पंजाबी लैंग्वेज का यूज हुआ है, जिसकी वजह से कई बार आपको डायलॉग समझ में नहीं आएंगे। सबटाइटल भी नहीं है, इसमें हिंदी या इंग्लिश के सबटाइटल देने जरूरी थे। कहानी को कुछ ज़्यादा ही लंबा खींचा गया है, कई बार तो फॉरवर्ड करना पड़ा है मुझे, क्योंकि स्क्रीन प्ले बहुत ही ज़्यादा स्लो है, जिसकी वजह से सीरीज मैंने 2 बार देखी है, 3 पार्ट एक बार में और 3 पार्ट दूसरी बार में, और कहानी ट्रैक से भटक जाती है कई बार। कई बार तो मैं खुद कन्फ्यूज हो गया कि भाई इस आदमी को क्यों पकड़ रखा है, आखिर इसका क्या लिंक है केस से। और सीरीज में सेम जेंडर सेक्स यानी कि समलैंगिक के ऊपर भी फोकस किया गया है, जो आजकल ट्रेंड बन चुका है और ज़्यादातर फिल्मों में दिखाया जा रहा है। इसको अगर कट कर देते तो क्या ही फर्क पड़ता। और ऐसी मर्डर मिस्ट्री फिल्में आपने कई बार पहले भी देखी होगी, तो अगर आप कुछ नया एक्सपेक्ट करके जा रहे हो तो आप डिसअपॉइंट जरूर होंगे। सीरीज को बस देखो और इन्जॉय करो, लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों देखें, अगर आप भी डार्क मिस्ट्री थ्रिलर फिल्में देखने में इंटरेस्टेड है तो आप इस शो को इन्जॉय कर सकते हैं। सीरीज बिल्कुल भी फैमिली फ्रेंडली नहीं है, सीरीज में किसिंग सीन है, बेड सीन है और भद्दी भद्दी गालियां है, इसको आप फैमिली के साथ बिल्कुल मत देखना। बात करें रेटिंग की तो भाई मेरी तरफ से इस शो को 3 out of 5 star। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।